मुल्क में बहुत अल्लाह ने पोटेंशियल दिया हुआ, हमें सिर्फ अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है, हमने गवर्नेंस सिस्टम ठीक करनी है, हमने जो एक चीज बार बार रूल ऑफ लॉ इंसाफ का निजाम ठीक करना है। वो इस वक्त आप सब के लिए कि हम इंसाफ के इंडेक्स में, रूल ऑफ लॉ के इंडेक्स में 140 मुल्कों में पाकिस्तान का नंबर 129 है, और आप डेनमार्क, और मैं फिर आप सबके लिए बताता हूँ कि इंसाफ, क्योंकि मेरा तजर्बा ये है कि इंसाफ होता है तो खुशहाली आती है। डेनमार्क नंबर वन है, पाकिस्तान की औसत आमदनी $1,600 है, डेनमार्क की $68,600। आप अगर सारी अपनी तारीख उठा के देखें तो जब एक हुक्मरान इंसाफ देता था, मसलन बलबल था, अलाउद्दीन खिलजी था, इनके दौर में सारी खुशहाली होती थी, और जब कोई एक जालिम या नाइंसाफी करने वाला हुक्मरान आता था कैद पड़ जाते थे। तो इंसाफ और खुशहाली इकट्ठे जाते हैं। आज जितने आपके मगरब में मुल्क हैं, आप स्कैंडिनेविया में चले जाएं, स्विट्जरलैंड चले जाएं, क्योंकि वहाँ इंसाफ के इंडेक्स में वो बहुत आगे हैं, तो 5-6 वहाँ खुशहाली है। हमारे लोग बेचारे वीजे लेके पैसे खर्च करके वहाँ जाते हैं, और पैसे नहीं बांट रहा कोई, वहाँ इसलिए जाते हैं क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड है, इंसाफ लोगों को आज़ाद करता है, वहाँ खुशहाली है, वहाँ मेहनत करता है, फल मिलता है।